لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله وسلام لأهلها أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما يرضاه على ما ترضاه ويرضاه الرسول हज़रात ग्रामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाखरे आपकी खिदमत में आखिरी दिन भी 30वें माह मुबारक रमज़ान की दुआ के साथ हाजिर हैं, वो इसलिए कि अभी तक चाँद जो है वो क्या है रोयत नहीं बल्कि तस्दीक नहीं हो सकी है, और अभी देखिए क्या होता है। बहरहाल हम खुश हैं कि आपकी खिदमत में आखिरी दुआ के साथ भी हाजिर हैं, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ये पूरा जो है वो चैप्टर इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। वइल्ला अगर आज चांद हो गया होता तो मुश्किल हो जाती आपसे रूबरू होने में। आज का जुमला जो है वो क्या है, तकमील है और कम्प्लीटली हमारी इबादतों की तरफ और हमारी जो अल्लाह की बारगाह में ताते रही माह मुबारक रमज़ान में उसके कबूलियत के सिलसिले में है, जिसका पहले ही फ़िक्र है अल्लाहुम्मा जाल सयाम फीही बिशुकूर बिशुक्र वल कबूल। परवरदिगारा माह मुबारक रमज़ान में हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में शुक्र के ज़रिए से कबूल फरमा। जाहिर से बात है शुक्र का मकाम है। बहुत सारे लोग जो हमारे दरमियान गुज़िश्ता बरस थे वो इस बरस नहीं है, वो इस साल नहीं है, होते तो अल्लाह की इताअत और इबादत अंजाम देते, लेकिन वो चूँकि नहीं है लिहाजा अल्लाह की इताअत और इबादत से महरूम हैं। लिहाजा इस उनवान से कि अल्लाह ने हमें क्या है ज़िंदा रखा है, दूसरा उनवान यह है कि अल्लाह ने हमें क्या है आफियत के साथ रखा है, सही व सालिम रखा है, कोई मरज़ नहीं दिया, कोई बीमारी नहीं दी। वइल्ला बहुत सारे जो है वो बरादरान मोमिन और खाहरान मोमिना जो है वो क्या है मरीज़ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, वो इबादत व इताअत इलाही से क्या है महरूम रह गए हैं इस माह मुबारक रमज़ान में। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह क्या है महरूम नहीं है, लिहाजा शुक्र का एक जो है वो उनवान ये भी बनता है कि अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार रहें कि अल्लाह ने क्या है अपनी इबादत और इताअत का मौका अनायत फरमाया, हम पर रहम करम किया है कि हम उसके बारगाह में क्या है जो है वो इताअत और इबादत के साथ हाजिर हैं। और दूसरे के जो है वो क्या है कबूल कर ले परवरदिगार आलम, बेशक जो है वो क्या है अल्लाह आमाल को कबूल करने वाला है। जब तक वो कबूल नहीं करेगा आमाल के अंजाम देना कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू इस पर करेंगे। अलामा तरवाह उन आमाल को कबूल कर ले जो तेरी पसंद के हैं, जो तुझे पसंद आ रहे हों, जो तेरे लायक हों, ठीक है, जो तेरी उबूदियत के लायक हों, जो तेरी खुदाई के काबिल हों, ठीक है, जो तेरी मर्ज़ी के लायक हों वो कबूल कर लें। वही अर्ज़ाहुर रसूल और जो तेरे रसूल को पसंद आने वाले आमाल हों वो कबूल कर लें, ठीक है, अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के जो आमाल हैं परवरदिगार वो कबूल कर लें। यकीनन किसी भी अमल की जो है क्या है कीमत और उसकी अर्जिश जो है वो उसके कबूल होने के बाद ही है। जब तक अमल में कबूलियत नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है। अमल की जो है वो क्या आर्जिश और कीमत तभी है जब वो क्या है कबूलियत के मंजिल पर हो, और अगर कबूल नहीं है तो अमल क्या है बेअर्जिश है, बेकीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और हर अमल की कबूलियत के जो है वो क्या है कुछ शरायत भी हैं, अलबत्ता जाहिर सी बात है कि जो है वो सिर्फ अमल अंजाम दे देने से जो है वो इंसान मुतमईन ना हो जाएगा उसके अमाल कबूल हो गए, बल्कि इस सिलसिले में पहले भी गुफ्तगू की जा चुकी है कि अमाल का अंजाम देना और अमाल को महफूज करना, शायद आमाल को अंजाम देना सख्त है लेकिन आमाल को महफूज रखना और उसे कबूल करवा लाना ये उससे ज़्यादा सख्त काम है, ठीक है। आमाल के कबूल की शरायत हैं, किन शर्तों के साथ जो है वो क्या आमाल कबूल किए जाएंगे, हमारे आमाल अंजाम देते वक्त या अंजाम देने से पहले या आमाल के अंजाम देने के बाद भी हमें किन चीज़ों पर अमल करना है जिनकी वजह से जो है वो क्या है आमाल कबूल होते हैं। वइल्ला जो है वो सिर्फ अमल का अंजाम दे देना काफ़ी नहीं है। पहली शर्त क्या है आमाल के कबूल होने के सिलसिले में, इखलास, नीयत क्या है साफ़ सुथरी हो, खालिस हो, यानी अमल जो है वो क्या है खालिसन लिल्लाह,
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा अमल क्या है, खुदा के लिए हो। इखलास नहीं है तो अमल क्या है, काबिल कबूल नहीं है। दूसरे, ईमान और तकवा, ईमान भी पाया जाना चाहिए हमारे अमल में। जब तक हमें ईमान नहीं होगा अल्लाह के ऊपर, हमारे अमल का कोई मतलब ही नहीं है। तकवा, अल्लाह का खौफ दिल में हो, परहेजगारी हो, अपने आप को जो है क्या है, गुनाहों से महफूज रखना हो, तब जो है क्या है, हमारे अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लायक होते हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि हम अमाल को अंजाम देते ये सोच करके कि अम्र खुदाबंदी, अम्र रसूल और अम्र जो है वो क्या है, अहले बैत को पूरा कर रहे हैं, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे पूरा कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है वो पूरा कर रहे हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है वो पूरा कर रहे हैं। यानी आमाल जो है वो इताअतन हो, कि अल्लाह की इताअत के तहत आमाल अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह के जो है वो इताअत के एहसास में, और जो है वो रसूलुल्लाह के इताअत की गरज से, और अहले बैत रसूलुल्लाह की इताअत की गरज से ये आमाल अंजाम दे रहे हैं, ना ये कि जो है वो आदतन हो। आमाल का आदतन अंजाम देना जो है क्या, कबूलियत के लिए मुश्किल है। तातन इताअत के हवाले से हमारे आमाल हो तो जो है क्या, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हैं। ठीक है, आमाल के बनिस्बत अल्लाह का शुक्र अदा करना भी लाजिम है कि उसने ये मौका दिया, उसने ये जो है वो क्या है सहूलत दी, उसने ये माहौल दिया, उसने ये घर दिया, उसने मिजाज दिया, उसने ये जो है वो क्या है मौसम दिया, उसने ये ताकत दी, उसने ये आफियत दी, है ना, कि हम अल्लाह के आमाल को अंजाम दे पाए। और ये आमाल जो है क्या अल्लाह रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम की पसंद के भी, इसलिए कि जो अल्लाह की इताअत है भैया रसूलुल्लाह की इताअत है भाई, उलिल अम्र की इताअत है, ज़्यादा जो है वो क्या है आमाल वो कि जो रसूलुल्लाह को भी पसंद हो, अहले बैत रसूलुल्लाह को भी पसंद हो और अल्लाह को भी पसंद हो। अगला जुमला, मुहकमतन फुरूउ बिल उसूल, ठीक है, इसकी फरह क्या है, इसकी शाखें क्या है, उसूल के जरिए से मुहकम और मजबूत हैं। सही मानों में जब तक जो है आदमी, देखिए दो चीजें हैं दीन में, एक है उसूल एक है फुरूउ, जिसे आमतौर से उसूल दीन और फुरूउ दीन कहा जाता है। ठीक है, असल व फरह दीन, इसमें जो है वो क्या है हमें और आपको जरूर दिक्कत करनी चाहिए, जरूर जो है वो तवज्जो करनी चाहिए कि दोनों क्या चीजें हैं और दोनों की जो है वो क्या तकवियत भी होनी चाहिए, दोनों क्या है तकवियत याफ्ता हो, असल भी हमारी जो है वो तकवियत याफ्ता हो और फर भी हमारी तकवियत याफ्ता हो, ना हमारी असल ज़ईफ़ हो किसी तरह से कमज़ोर हो, ना हमारी फर कहीं से जो है वो कमज़ोर हो। ठीक है, तो दीन की एक असल है और एक दीन की फर है, एक जड़ है और एक शाख है, टहनिया है, तो ये सब के सब क्या है मजबूत होने चाहिए, इसमें कहीं से कोई कमी ना हो। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती थी लेकिन जो है वो क्या है इख्तिसार पेश नजर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसके अलावा असल और फर के अलावा क्या है आमाल की कबूलियत और आमाल के अंजाम के सिलसिले में, क्या है सुतून है और पाया है, पिलर जो दीन के होते हैं, जिनके ऊपर दीन है। ठीक है, दीन के सुतून का सिलसिला बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनिया अल इस्लाम अला खमसति अशिया, अस्सलातु वज़्ज़कात वल्हज्ज वस्सौम वल्विलाया। अल्लाह ने दीन इस्लाम की बुनियाद तीन चीज़ों के ऊपर रखी है, पहली चीज़ है नमाज, दूसरी चीज़ है ज़कात, तीसरी चीज़ है हज, चौथी चीज़ है रोज़ा और पाँचवीं चीज़ है विलायत, अल्लाह की विलायत, रसूलुल्लाह की विलायत और आले रसूलुल्लाह की विलायत। विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या है, ये कबूलियत आमाल का जो क्या है अहम जरिया है। ये विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद क्या है, उनकी हाकमियत को कबूल करना, उनकी बादशाहत को कबूल करना, उनके अमर को कबूल करना, उनकी इमामत को कबूल करना, उनकी कुदरत व अख्तियार को कबूल करना, उनके एजाज को कबूल करना, ये क्या है विलायत मोहम्मद। अगर ये जो है वो क्या है
कबूलियत ना हो विलायत की हमारे यहाँ, तो हमारे आमाल क्या है, तबाह और बर्बाद हो जाने वाले हैं। मुतमईन रहिए। आखिरी फिक्रा बिहक सैयदना मुहम्मद व आलिह ताहिरीन। परवरदिगारा इन सारे आमाल की कबूलियत किसके ज़रिए से हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह वसल्लम और उनकी तय्यब ताहिर आल और औलाद के हक़ के वसीले से हो। हक़ के मुहम्मद और आल मुहम्मद क्या है, बहुत ज़्यादा है, सबकी गर्दनों पर हक़ मोहम्मद और आल मोहम्मद। हक मोहम्मद और आले मोहम्मद क्या है, सबकी गर्दन पर है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमद है सारी की सारी तारीफें उस खुदा के लिए कि जो क्या है, सारी दुनिया का परवरिश करने वाला है, पालने वाला है। बस आखिर में दो बातें और सुन लीजिए, खत्म दुआ। विलाय आले मोहम्मद को दीन कहा गया है, ठीक है, सुतून कहा गया है, और बाज रिवायतों में खुद आले मोहम्मद को दीन की असास और दीन की बुनियाद कहा गया है। बाज रिवायतों में खुद जात मोहम्मद और आले मोहम्मद को, शख्सियात मोहम्मद और आले मोहम्मद को असास दीन कहा गया है, जैसा कि मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन। फरमाते हैं कि अहले बैत रसूल दीन का असास हैं और यकीन का पिलर और यकीन का सतून है। अहले बैत रसूल के अलावा दीन सिर्फ और सिर्फ क्या है, तसव्वुर है, हकीकत में कुछ नहीं है। बगैर मोहम्मद और आले मोहम्मद के यकीन जो है वो क्या है, फर्जी है। दीन बगैर सुतून के है अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद ना हो। मुतमईन है वो इंसान के जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात के एतराफ और उनकी शख्सियात को मानते हुए उनकी विलायत के अकरार करते हुए अमल अंजाम देता है, उसके अमाल हतमन कबूल हैं। और इसी तरीके से जो लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद से बुग्ज़ रखते हैं, उनसे अदावत करते हैं, उनसे दुश्मनी करते हैं, वो भी मुतमईन है, उनके आमाल हतमन जो है वो क्या है, अल्लाह की बारगाह में तबाह और ज़ाया और बर्बाद होने वाले हैं। उनकी मेहनत बर्बाद है, उनका वक्त बर्बाद है, उनका जो है वो क्या, जिस्म का थकाना बेसूद है, और उनका आमाल अंजाम देना क्या बेफायदा है। इसलिए कि यह बात साबित है कि आमाल की कबूलियत जो है वो क्या है, मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत और मोहब्बत है। लेकिन दीन के एहसास ही है, अगर दीन में जो है वो क्या है, दीन की बुनियाद ना हो फिर दीन नहीं है, और अगर जो है वो दीन में यकीन ना हो, अमल में और अकीदे में यकीन ना हो, तो फिर जो है वो क्या है, वो अमल किसी काम का नहीं है। तो असास दीन भी अहले बैत है और क्या है, यकीन भी क्या है, अहले बैत है। बगैर इनके जो है वो क्या है, ना अमल यकीनी है, ना शफात यकीनी है, ना कबूलियत आमाल यकीनी है। अब चूंकि जो है वो माह मुबारक रमज़ान से विदा हो रहे हैं हम लोग, और माह मुबारक रमज़ान हमारे दरमियान से गुजर रहा है, लिहाजा जो है वो दुआ मकारिमुल अखलाक में जो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहि सलातु वस्सलाम ने कलमात इरशाद फरमाए, वो एक दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार हमारे आमाल को कामिल तरीन आमाल की हद तक पहुँचा दे, वह आमाल की जो तेरी बारगाह में कामिल हैं पूरी तरीके से, हमारे आमाल को भी उसी हद तक पहुंचा दें, यानी इन्हें कामिल बना दें, और हमारी नीयत जो है वो क्या, बेहतरीन नीयतों तक पहुंचा दें, वो नीयत जो सबसे बेहतरीन है उनकी नीयतों से हमारी नीयत को मिला दें, और हमारे आमाल को बेहतरीन आमाल करार दे दे। ठीक है, हमारे जो आमाल है इन्हें बेहतरीन आमाल करार दे। इसका मतलब है कि हमारी तरफ से क्या है, सिर्फ अमल अंजाम देना है, बकिया जो है वो उसे संवारना, सजाना, निखारना, बेहतरीन बनाना, नियत जो है वो क्या है, अच्छी बनाना, खालिस बनाना, और जो है वो उसको कबूल करना, सब अल्लाह की तरफ से। हम बंदों की तरफ से सिर्फ अमल है कबूलियत और जो क्या है उसमें जो है वो जीनत और निखार, वो सब अल्लाह की तरफ से। किस बिना पे, विलाय मोहम्मद और आले मोहम्मद की बिना पर। फिर जो है आप
फिराक माह मुबारक रमज़ान में, यानी जब माह मुबारक रमज़ान जुदा हो रहा था, आप फरमाते हैं कि जो है वो कि तेरा फिराक जो है वो क्या है, दुश्वार है, बाईस रंज है। और आखिरी जुमला इरशाद फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम, बाईस रंज है माह मुबारक रमज़ान का फिराक, यानी ये गम ले आता है, ये गमजदा करता है इंसान को। अब सोचें जो लोग जो है ईद की खुशियों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं माह मुबारक रमज़ान के बारे में, और जो है वो उचक उचक के उछल उछल के जो है वो ईद के चाँद को देखते हैं और कोशिश करते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इस दुआ को जो है वो पढ़ लें और इस फ़िक्रे को पढ़ लें। और आखिरी जुमला जो हम अभी अर्ज़ करेंगे, तो ईद की खुशियाँ जो है वो क्या मिट्टी हो जाती हैं, इसलिए माह मुबारक रमज़ान का फ़िराक और उसका जुदा होना ये ज़्यादा तकलीफ़ दे। ठीक है, फरमाते हैं कि जो है वो तेरा फिराक जो क्या है, दुश्वार है और बाईस रंज है, मुसीबत वाला है, गमजदा करने वाला है, अश्कबार करने वाला है। और आखिरी जुमला इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और वहशत आवर है तेरा चला जाना, ये डरावना है माह मुबारक रमजान का गुजर जाना, ये डरावना है। आदमी वहशत ज़्यादा हो जाता है कि माह मुबारक रमज़ान जा रहा है, रंज होता है उसे कि माह मुबारक रमज़ान जा रहा है, गम होता है उसे कि माह मुबारक रमज़ान जा रहा है। माह मुबारक रमज़ान जो है वो क्या है, हमसे जुदा हो रहा है। अब तो कल इंशाल्लाह जो है वो क्या है, हलाल ईद नमूदार हो जाएगा, आप लोग जो है वो क्या है ईद में मसरूफ़ हो जाएंगे, और कोशिश करें कि जिस तरीके से आपने अपनी योमिया नमाज़ें और माह मुबारक रमज़ान के जो सारे प्रोग्राम थे वो सबके सब आपने घरों में अंजाम दिए, मुल्क और मुल्क वालों की सेहत और सलामती की रियायत करते हुए, एक बेहतरीन कदम था। इसी तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है और यह दरख्वास्त की जा रही है कि माह मुबारक रमज़ान के ख़ात्मे के बाद ईद की खुशियों को भी क्या है पूरी रियायत के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अपने घरों में बहुत ही सादगी के साथ इंशाल्लाह हम सब जो है वो अल्लाह के बारगाह में नमाज ईद फरादा तौर पे भी पढ़ी जा सकती है वो अदा करेंगे, और अपने लिए मोमिन और मोमिनात के लिए अपने मुल्क के लोगों के लिए अपने मुल्क की सलामती के लिए इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करिए। और इन दुआया कलमात के साथ आपसे रुख्सत लेते हैं, इस शुक्रिया के साथ कि आप लोगों ने हमें महीने भर सुना है, सराहा है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमारे इस काम की बड़ी जो है वो तायद की है, बड़ी तारीफ़ की है, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पर्सनल पर भी हमको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है और हमारी बातों को उन्होंने सराहा है, हमारे टूटे फूटे अल्फाज और शिकस्ता बातों को, हमारी जो है वो क्या है नारसा तहकीक को उन्होंने जो है वो क्या है सराहा है, हम सब के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, साथ ही साथ हमारी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए, हमारी इबादत कबूल करे परवरदिगार, आपकी इबादत को कबूल करे, अल्लाह हम सब के आमाल को कबूल करे, आपके भी आमाल को कबूल करे इंशाअल्लाह। जो लोग भी मरीज़ हैं परवरदिगार उन्हें शफा कामिल और आजिल इनायत फरमाए, और जो लोग मरहूम हो गए उनकी मग़फ़रत फरमाए। महबूद तुझे वास मोहम्मद और आल मोहम्मद के अतबात आलियात रोज़ात मुक़द्दसात महफूज़ फरमा, उलमा आलम और राजे करम की मुहाफ़ज़त फरमा। फिर अल्लाह तुझे वास मोहम्मद और आल मोहम्मद के हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब वली नेमत, हमारे मौला और आका के दौर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके मुखलिस अहबान अंसार में शुमार फरमा। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दें कि आप लोगों ने महीने भर हमको समाअत किया, सुना और सराहा। अल्लाह आप लोगों को जिंदा व सलामत रखे, खुशहाल रखे, किसी तरीके की कोई मुश्किल हो और कोई गम न दे इंशाल्लाह, कोई रंज न दे ज़िंदगी में इंशाल्लाह। परवरदिगार आलम हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ और अहले बैत मोहम्मद के साथ इंशाल्लाह रोज़े महशर महशूर करे और हम सब की आक़िबत बखैर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।